हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज किरण किचन में मैं बनाने जा रही हूँ रसगुल्ले। तो चलिए देखिए मैं कैसे कैसे रसगुल्ले बनाती हूँ, तो आप चलिए देखिए मैं बनाने जाती हूँ। दोस्तों, रसगुल्ले बनाने के लिए मैं 4 kg दूध ली हूँ, देखिए। तो चलिए इसको मैं उबलने के लिए गैस को जला लें, ऐसे गैस पर चढ़ा दें, खोलने तक इसको इंतज़ार करें। दोस्तों, बगल में चढ़ा लेते हैं चाशनी के लिए एक कढ़ाही। इसमें पानी डालते हैं, इसमें पानी डालें, ज़रूरत के अनुसार जितना आपका ज़रूरत है चाशनी का। मेरा 4 kg दूध है, उसके लिए 2 kg पानी डालूँगी। दोस्तों, 1 kg के लगभग चीनी डाल लें चाशनी में, देखिए इससे। छाली मत पड़ने दे, इसको हमेशा चलाते रहें। दोस्तों, दूध का आँच कम कर लें और 2 मिनट तक इसको नॉर्मल होने दें। तब विनेगर है दोस्तों, ये आप घर में ला के रखें छेना फाड़ने के लिए, पनीर बनाने के लिए। तो मैं लाई हूँ, हर दुकान में मिल जाएगा आपको विनेगर। इसको 4 चम्मच ले लेती हूँ। इसको थोड़ा थोड़ा नाइए, इस ढंग से चलाते रहिए। आपके पास विनेगर ना है तो नींबू से भी फाड़ सकते हैं, 1-2 नींबू का रस निकाल लीजिएगा। धीरे धीरे फटना ही शुरू हो रहा है।
अभी एक मिनट और लगेगा। देखिए छेना फटने लगा है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब दूध फट के छेना में बदल गया दोस्तों। देखिए दोस्तों एक टप ले, साफ कपड़ा ले और इस तरह इसमें रखें और पनीर को इसमें छान लें। देखिए इस तरह से छान लें पनीर को। इसको इसमें रखें। इसमें ठंडा पानी डालें। दोस्तों ये विनेगर जो है उसको निकालने के लिए खूब अच्छी तरह से पनीर को धोएं। इसको अच्छे से धो लें पानी में। इसको अच्छा से पानी इसको निकाल। दोस्तों छेना को दो मिनट तक इसी तरह छोड़ दें सेट होने के लिए। अब इधर चाशनी पर ध्यान देते हैं। चाशनी चढ़ा हुआ है, इसका आंच बहुत कम किए हुए हैं। इस छेने को निकाल लें। देखिए अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा फैला दें। अभी गर्म है। अब एकदम मुलायम हो चुके हैं। देखिए अभी छेना पूरा तरह से मुलायम हो चुके हैं। अब इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालिए, एक चम्मच मैदा डालिए। बस छेना को पकड़े हुए रहेगा।
दोस्तों अभी तैयार हो गए हैं रसगुल्ले के लिए। एकदम चिकना हो गए हैं, देखिए इसी तरह रहना चाहिए। दोस्तों अब इसको गोल गोल करेंगे, रसगुल्ले बनाएंगे। और इधर चाशनी भी तैयार है, इसको कम आंच पर रखी हुई हूँ। अब इस तरह कर लीजिए, एकदम चिकना चिकना गोल गोल कीजिए। इस तरह का एकदम गोल होना चाहिए, देखिए। दोस्तों इसमें 4-5 इलायची डाल लें, इलायची का फ्लेवर आएगा। यहाँ पर अब डाल देती हूँ मैं रसगुल्ले। चाशनी पूरा उबल चुके हैं, तैयार हो गए हैं। इसे 10 मिनट तक उबलते रहने देंगे रसगुल्ले को। इसको चलाना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो अब इसे उघार कर देखती हूँ। तो एक चम्मच मैदा लीजिए, एक चम्मच, और इसको थोड़ा सा घोल बनाइए। एक चम्मच मैदा का घोल बनाकर इसमें डालिए दोस्तों। झाग बनाएगा ऊपर तक, रसगुल्ले ऊपर तक खोलेंगे। देखिए झाग बनाकर ऊपर तक, ऊपर रसगुल्ला भी सीझेगा। हल्के हाथों से दोस्तों, बहुत अच्छा खिले हैं। दोस्तों रसगुल्ले बन चुके हैं, अब मैं गैस बंद करती हूँ। दोस्तों अब रसगुल्ले बन चुके हैं, अब तैयार हो गए हैं। आप भी इसी तरह बनाइए और खाइए, देखिए। अब मैं खा करके एक तो देखती हूँ दोस्तों, बहुत मुलायम रसगुल्ले हैं। ये स्पॉन्जी रसगुल्ले नहीं है, बहुत मुलायम है, गला से जल्दी नीचे उतरेंगे दोस्तों। बहुत मस्त है दोस्तों।